ये देखिए आज हमने बनाई है चकली, 1 कप चावल का आटा और 1/2 कप मैदा, इससे हमने ये इंस्टेंट वाली चकली बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है। मेरी रेसिपी ज़रूर पूरी देख लेना, और जो कहीं मेरे रेसिपीज नए हैं मेरे वीडियो पे तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साइड में जो बेल का आइकॉन है उसे क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपीज डाल दूंगी तो आपको उसे तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे तुरंत ही देख लेंगे। तो ज़रूर देख लेना, ये इंस्टेंट वाली मेरी चकली है, बहुत अच्छी है। मैं आपको बताती हूँ कितनी खस्ता है, ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, और टेस्ट में तो इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। ज़रूर आप इसे देख लेना, पूरी रेसिपीज देख लेना और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, पूरी रेसिपी देख लेना। अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चकली। इसके लिए हम ना कोई दाल हम भूनेंगे ना कुछ करेंगे, इंस्टेंट वाली चकली बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया, आप पर जो भी आपको आटा गूंदना होगा उस वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा, ये चावल का आटा तो मोस्टली सबके घरों में रहता ही है। यहाँ पे ले लिया है मैंने 1/2 कप मैदा, और इसे मैंने चावल को और मैदे को मैंने छान कर ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबल स्पून मैंने तिल ले लिया है, तिल इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 टीस्पून अजवाइन ली, इसे हम क्या करेंगे हाथ से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने ली है ये 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले ली है। यहाँ पे मैंने लिया है ये जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और ये स्वादानुसार नमक है वो हम हमारे इस आटे में डाल देंगे। तीखा आपको जैसा चाहिए वैसे आप तीखा इसमें ले लेना। अब यहाँ पे मैंने ये घी ले लिया है, इसे मैंने गरम करके ले लिया है। तो हम क्या कर लेंगे, ये चम्मच से हम 2 या 3 चम्मच इसमें डाल देंगे, इससे हमारे चकली अच्छे से खस्ता खस्ता हो जाएंगे। ये मैंने 3 चम्मच डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, ये गर्म है इसलिए हम क्या करेंगे इसे स्टार्ट में चम्मच से पूरा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर हम चम्मच से कर लेंगे, फिर हम इसे हाथ से पूरा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसे हमें अच्छे से मसल मसल कर पूरा घी इसके अंदर हमें मिक्स करना है। ये देखिए ऐसा हमने किए तो ये देखिए हमारा घी भी बहुत अच्छे से इसके अंदर हमने पूरा मिक्स किया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालना है हमें पानी, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है, सख्त आटा गूंदना है हमें। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, एक गीला रुमाल ले लेना या कोई भी कॉटन का कपड़ा आपके पास होगा उसे थोड़ा सा गीला कर ले लेना और ऐसे इसे ढक लेना। अब हम इसे 15 मिनट के बाद देख लेंगे, 15 मिनट हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। 10-15 मिनट आपको जैसा चाहिए वैसा रख लेना। अब क्या करेंगे हम दोबारा से इसको थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे और इसका हम एक 2 पार्ट कर लेंगे। ये देखिए अब हमने क्या किया है, ये जिसमें हमको चकली बनानी है वो वाला हम मोल्ड ले लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, इसे अंदर से घी लगा लो या ऑयल लगा लो, आपको जो भी लगाना हो लगा सकते हो। मैं तेल लगा देती हूँ, पूरा हर जगह पे लगा देना है हमें। ये देखिए और आपको अगर प्लेट में करना होगा तो आप प्लेट में भी इसे चकली बना सकते हो। मैंने ये बटर पेपर लिया है, बटर पेपर में थोड़ा सा मैं इस पर तेल लगा दूंगी। पेपर पे कर सकते हो आप, प्लेट पे कर सकते हो, जिस पे भी आपको करके रखना हो आप उसे कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे थोड़ा सा तेल ले लेंगे और ये एक ले लेंगे, इसको अच्छे से हम ऐसे कर लेंगे और ये जो हमारा चकली वाला है उसमें हम ये डाल देंगे अच्छे से, जितना बैठता है उतना हम इसमें डाल देंगे। ये जो बचा हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, गीले कपड़े से ढक के साइड में रख लेंगे। और ये मैंने अभी ये पूरा डाल दिया, अब हम क्या करेंगे ये ले लेंगे और इससे हम चकली, देखिए
आप देख सकते हो इसके कांटे देखिए कितने अच्छे से निकल रहे हैं। आपने जितना आपको बड़ा छोटा चाहिए वैसा आप इसे बना सकते हो। ये देखिए अब हम कहेंगे ये जो है हमारा इसे हम थोड़ा सा ऐसा पैक कर लेंगे और इसे भी थोड़ा सा यहाँ से, ताकि हम जब फ्राई करेंगे तब ये चिपके नहीं। ये देखिए अब मैं और बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने बना लिए, यहाँ पे बना लिए, इसको भी मैंने प्लेट को भी यहाँ से मैंने पूरा नीचे से तेल लगा दिया था। मैं अब एक लास्ट आपको बता देती हूँ। ये देखिए कितने, ये देखिए अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ा यहाँ से चिपका लेंगे। यहाँ पे तेल हमारा गर्म हुआ है। अब हम क्या करेंगे ये एक एक हमारी चकली इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे हम एक एक इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है, हमें फटाक से इसको पलटना नहीं है, थोड़ी देर से हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे इसे पलट लेंगे, अच्छे से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है और थोड़ी देर से हम इसे आप गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, नहीं तो फिर बाहर बाहर से अच्छे हो जाएंगे अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो मीडियम लो पे आप इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना। ये देखिए हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब मैं इस पे रख देती हूँ। आपको चाहे तो आप पेपर पे रख देना या आपके पास टिश्यू पेपर होगा उस पे रख देना, बड़ी वाली जाली होगी उस पे रख लेना। एक पे एक रखेंगे ना तो वो हीट की वजह से पूरे नरम हो जाएंगे, तो आपको स्टार्ट में इसे दूर दूर ही रखना है। ठंडे होने के बाद फिर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हो, पर स्टार्ट में आपको थोड़ा दूर दूर ही रखना है। कोई जाली पे ट्रे पे आपको इसे रख लेना है, या बटर पेपर पेपर हो जिसमें आप हमेशा चकली निकाल लेते हो, तो मेरे पास ये है बोल के मैं इस पे निकाल लेती हूँ। तो अब मैं बचे हुए बाकी भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे चकली रेडी हो गई है। एक कप आटे से देखो हमारे कितने सारे चकली हो गई है। थोड़े इसमें के मेरे बच्चों ने खा भी लिए, गरम गरम ही खा लिए हैं। तो अब मैं आपको इसे बताती हूँ। ये देखिए देखिए कैसी आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये कितनी खस्ता बनी है। आप भी ज़रूर इसे बनाना, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए देख सकते हो आप, आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत सही बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आप भी ज़रूर बना लेना इसे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई जॉब वाले रहते हैं उनको दाल लाने के लिए, भूनने के लिए उसे और पीसने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो ये आप आसानी से ये बना सकते हो। मैदा भी रहता है, चावल का आटा भी रहता है। अगर ना हो तो एक कप चावल ले लेना, उसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेना और उसे छान कर ले लेना, कितना आसान है। बाकी तो चटनी अपने घर में रहती है, जो है वो डाल देना, जो नहीं है उसे थोड़ा बहुत स्किप कर देना। तो ये कितना अच्छा, देखो आप ये इस दिवाली ये ज़रूर इसे बना लेना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसी लग रही है। और जो भी मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप ज़रूर इसे देख लेना। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।